अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हिंदुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत मजेदार सी रेसिपी जो कि बनेगी सिर्फ 5 अंडों के अंदर और 5 मिनट में तैयार होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं, साथ ही इसमें डालूंगी चुटकी भर नमक, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्ज धनिया पत्ता। इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर लिए मैंने 3 अदद बॉयल्ड अंडे और इसको स्लाइस की शेप में काट लिया है। कढ़ाई में मैं ले लूंगी 5 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून साबुत सफेद जीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 2 अदद दालचीनी स्टिक्स। इसे हम थोड़ा सा चटकने देंगे। साथ ही इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसका कच्चापन खत्म होने तक पकाएंगे। 1 अदद प्याज लिया, इसे फाइन चॉप कर लिया, ये डाल देंगे। थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे। प्याज को देखिए अच्छे से मैंने भून लिया है इसमें। अब यहाँ पर 2 अदद टमाटर लिए और इसकी मैंने प्यूरी बना ली है, ये डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और मजीद 2 मिनट भूनेंगे। अब इसमें मसाले डाल दूंगी, जिसमें नमक 1 टीस्पून, हल्दी जायका, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। तो मसाले डाल के मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और मजीद 1 से 2 मिनट हमने इसको भुना है। अब इसमें डाल दूंगी 1/2 प्याली बॉयल्ड मटर, मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाला नीचे से लगे ना। मिक्स कर लेंगे, कवर करके 5 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे मैंने 2 मिनट भुना है ताकि जो मटर भी हैं वो हमारे अच्छे से मसालेदार हो जाएं। अब यहाँ पर फ्लेम मैंने लो कर दी है और जो फेंटे हुए अंडे हैं ये इसको डाल दूंगी ऐसे फैलाकर। और बिल्कुल भी हमने इसमें चमचा नहीं चलाना है, थोड़ी देर ऐसे ही पकने देना है ताकि जो ये अंडा है हमारा वो अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए अंडे के जो पीस है वो बड़े बड़े से होने लग गए और ये अच्छे से पक चुका है। अब हमने क्या करना है, बड़ी आराम आराम से इसको इस तरह से करना है मिक्स, ताकि जो पीस है वो भी बड़े बड़े से खाने में मजे ही लगेंगे। और ये बहुत मजेदार सी रेसिपी है, इस रेसिपी का नाम है अंडा चिंगारी और ये झटपट से तैयार होती है, बच्चे बड़े सबको पसंद आती है। तो बस अब जो ये बनकर तैयार हो चुकी है। अब लास्ट में मैं क्या करूंगी, लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 2 अदद सब्ज मिर्च और इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी सब्ज मिर्च से। इसको तिखास के लिए नहीं डाल रही, सिर्फ खुशबू के लिए डाल रही हूँ मैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बॉयल्ड एग, मिक्स कर लेंगे। बड़े हल्के ही हाथों की मदद से करना है क्योंकि जो हमारे एग हैं वो बॉयल हैं, वो टूट सकते हैं, इसलिए आपने इसको बड़े हल्के ही हाथों से करना है इसको मिक्स। जब घर में कुछ भी समझ ना आए ना तो ये रेसिपी बनाएं, झटपट से बनती है और सबको ही पसंद आएगी, बच्चे बड़े सबको ही ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। लास्ट में इस पर गार्निश कर दूंगी सब्ज धनिया पत्ता, कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर पकाऊंगी सिर्फ 2 मिनट। तो अंडा चिंगारी बनकर तैयार हो चुका है, इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा अंडा चिंगारी बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।